जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों का स्वागत करता हूं। मेरा नाम रोजी टी जॉर्ज है और मैं बैंगलोर में बाइबल कॉलेज में पढ़ाया करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में आपको इन प्रकार के वचन में से बांटे गए कुछ सत्यों से आपका विश्वास दृढ़ होगा और साथ ही साथ आप आशीष पाएंगे। मैं आज अपने देश और अपने कलीसिया के संदर्भ में जो कठिनाई से हम होके गुजर रहे हैं, हमें से बहुत सारे लोग विश्वास के निमित्त जो कठिन अवस्थाओं से होके गुजर रहे हैं, उनके विषय में आपसे बातचीत करना चाहूंगा। मित्रों, कई समय में जब हम कई संदेशों को सुनते हैं, कई बातों के बारे में कई खबरें जब हमें मिलती है, हमारे प्रिय लोग और हमारे कलीसिया मसीह भाई बहन लोग जिस प्रकार से उत्पीड़न से होके गुजर रहे हैं, उसे सुनकर के जब मन दुखित होता है तो कई समय लगता है कि हे प्रभु, तेरे सत्य में विश्वास करके ईमानदारी से जीवन बिताने और सच्चाई के और खराई के साथ तेरे नाम की गवाह होने के लिए तूने बुलाया है, पर प्रभु ऐसा कष्ट क्यों हमारे जीवन में। लेकिन ऐसे ही एक घड़ी में था जब मैं पहला पत्रस चौथे अध्याय का 12 से लेकर 19 तक के पदों को पढ़ रहा था। इन पदों के अंदर में हम मसीह के निमित्त दुख भोगने के विषय में पढ़ते हैं और पत्रस इस बात को अपने पाठकों को बताना चाहता है कि हमारा नजरिया इन कष्ट और दुख भोग के प्रति कैसा हो। मसीह के निमित्त जब हम लज्जित किए जाते हैं, धुतकारे जाते हैं, शारीरिक रूप से हमारा उत्पीड़न होता है, तो हमारा दृष्टिकोण ऐसे कष्टों की अवस्था में क्या हो, हम कैसे समझें इसे। मेरी समझ के अनुसार पत्रस लगभग एडी 64 या 65 के लगभग इस पत्री को गलातिया, पोंतुस, कपदोकिया, आसिया और बिथिनिया जैसे क्षेत्रों में तितर बितर हुए विश्वासियों के लिए ये पत्री लिखता है। और ये वे विश्वासी लोग हैं जो स्वयं अपने जीवन में कष्टों से होके गुजर रहे हैं। उनकी जीवन की अवस्था भी हमारे जीवन की अवस्था जैसी है कि वे लोग ऐसे कष्टों से होके गुजर रहे हैं जो कि पत्रस की भाषा में कहे तो वो दुख रूपी अग्नि में से होके गुजर रहे हैं। बड़ी कठिन अवस्था है और केवल उसके पत्रस के पाठकों का ही नहीं, परंतु पत्रस स्वयं भी जो है बड़े कष्ट के समय से होके गुजर रहा है। संभवतः पत्रस इस समय कारावास में है रोम के, और शायद यह भी संभव है कि बहुत जल्दी वो अपनी मृत्यु को अपने सामने देखता है कि बहुत जल्दी इस कारावास में पड़े पड़े मैं मसीह के नाम के लिए शहीद हो जाऊंगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस पत्री को लिखने वाला और इस पत्री को पढ़ने वाले दोनों ही एक ही समान, एक ही प्रकार के अनुभव से होकर गुजर रहे हैं, वो है दुख भोग। जैसे पत्रस कहता है, चोरी, हत्या, कुकर्मी होने से या किसी पराये काम में हाथ डालने से दुख भोगने वाले नहीं है, परंतु स्पष्ट रूप से जैसे वो कहता है मसीह के कारण सताए जाने वाले हैं। पत्रस स्वयं कारावास में जब पड़ा है, कुकर्म के कार्यों के कारण नहीं, परंतु विश्वास के कारण है। उसके विश्वासी लोग जिस समय में कष्ट में पड़े हुए हैं, उसके पाठक लोग जब घर से निकाल दिए गए हैं, गांव शहरों से भगा दिए गए हैं, विभिन्न प्रांतों में तितर बितर हो गए, उनके संपत्ति सब लूट ली गई है और कईयों को तो मृत्यु तक दे दिया गया है, ऐसी अवस्था में पत्रस उन्हें प्रोत्साहित कर रहा है कि तुम्हारा नजरिया कैसा हो, कैसे तुम ऐसी बड़ी कठिनाई को तुम सही मायने में समझ सकते हो। जान के देखें उस शब्द की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, दुख रूपी अग्नि। शायद पत्रस इस शब्द का इस्तेमाल वास्तविक जीवन के अनुभव से लेकर के कर रहा है, क्योंकि इस समय में रोमी सम्राट रोम में राज कर रहा था और पत्रस इसी समय में ही कारावास में पड़ा था, और यह वही समय था जब नीरो सम्राट मसीहों को जिंदा खंभों से बांध करके उनके ऊपर में तेलों का लेप लगा करके
बत्ती समान या एक टॉर्च के समान उन्हें उनके शरीर पर आग लगाने के पश्चात अपने आनंद के लिए रथ पे दौड़ किया करता था। जब चिराग समान ये इनका शरीर जीवित मसीहों का शरीर जलता था, उनकी रोने की पुकार के बीच में ये क्रूर राजा ये अपने आनंद के लिए वो रथ चलाया करता था। ऐसे ही शायद एक चित्रण को ये शब्द दर्शाता है। लेकिन रवैया क्या हो इनका, इन सब कष्टों के बावजूद एक मसीह को मसीह के निमित्त प्रभु यीशु मसीह के कारण आने वाले दुखों के प्रति उनका नजरिया क्या। सबसे पहली बात वो कहता है 12वें पद में, हे प्रियो जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। पत्रस याद दिलाना चाहता है कि ऐसे कष्टों से होके गुजरना एक मसीह के जीवन के लिए स्वाभाविक है। विश्वास के निमित्त सताए जाना, विश्वास के निमित्त प्रताड़ित किया जाना एक मसीही जीवन के लिए सामान्य अनुभव है। ये कोई अनोखी बात नहीं है। हालांकि ये बात सत्य है कि मसीही जीवन का पर्याय दुख भोग नहीं है, लेकिन ये कोई अनहोनी बात और अनोखी सी बात भी नहीं है। इसे देख करके ऐसे अनुभवों में हमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं, परंतु आनंदित होए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इसके विषय में पहले ही कह दिया था। कारण क्या है? कारण यह है, प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 14 और 15 पद में इस प्रकार से कहते हैं, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया है। किनसे? चेलों से। क्योंकि जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं है। कितना बड़ा सत्य प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गारोहण से पहले अपने महायाजकीय प्रार्थना में करता है कि हे पिता, ये लोग संसार के नहीं है, इसीलिए संसार इनसे बैर करता है, और जिनसे बैर करता है संसार, संसार उन्हें प्यार नहीं परंतु प्रताड़ना, दुख, क्लेश और सताव ही देता है। इसी संदर्भ में वो उनसे कहता है कि ये तुम्हारे जीवन और तुम्हारे विश्वास के परखे जाने का अनुभव है, इसीलिए तुम्हें आनंदित होना है। जैसे एक सोना अग्नि में ताया जाता है और फिर शुद्ध सोने के रूप में निकलता है, वैसे ही एक विश्वासी अपने जीवन में कष्ट और सताव और दुखों के बीच में से होकर गुजरने के पश्चात अपने आप के परखे जाने के अनुभव में एक सच्चे मसीह, एक सच्चे सोने के समान वो बन के निकलता है। ये हमारे परखे जाने का समय है। हमारे विश्वास में हमारी सुदृढ़ता को संसार जब परख कर देखता है, परमेश्वर उसमें हमसे कहता है, तेरे विश्वास योग्यता पे मैं प्रसन्न हूं। इसीलिए हमें दुख मनाने का नहीं, परंतु हमें आनंदित होने की बात है। इसीलिए तो 16वें पद में पत्रस इस प्रकार से कहता है, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, संसार के नहीं। संसार हमसे बैर करेगा। क्यों? क्योंकि हम संसार में प्रताड़ित किए जाते हैं, दुखित किए जाते हैं, क्लेश दिए जाते हैं, क्योंकि अब हम सोने के समान अग्नि में ताए जा रहे हैं। इस कारण से हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। दुख क्लेश के अनुभव जब आपके जीवन में, परिवार में, कलीसिया में होए, आनंदित हो, क्योंकि ये परमेश्वर की महिमा के लिए वचन हमें सिखाता है। दूसरी बात वो कहता है कि ऐसे दुखों के अनुभव से जब तुम होके गुजरते हो तो तुम धन्य हो। 14 से लेकर 16 तक के पद, खास तौर से 14 और 16 पद, तुम धन्य हो। क्यों? क्योंकि जब मसीह के निमित्त तुम्हें कोई लज्जित करे या तुम पर कोई अपशब्द या तुम्हारी निंदा करे तो तुम्हें इस बात में प्रसन्न होना है, क्योंकि तुम उसके द्वारा धन्य किए जाते हो। आपको याद होगा हमारे उत्तर भारत के कलीसियाओं में हम लोग नित्य एक गीत को गाते हैं, दुश्मन मुझको मेरे सताए, दोष वो झूठे मुझ पे लगाए, फिर भी मैं उनके लिए दुआ करूं। क्यों हम दुआ करें? क्योंकि हम धन्य ठहराए जाते हैं।
हम उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम इसमें शोकित नहीं होते हैं, क्योंकि दुश्मन हमको जब सताते हैं और वो जब झूठे दोषारोपण हम पर करते हैं, हम धन्य ठहराए जाते हैं। धन्य ठहराने का अर्थ क्या है? कि परमेश्वर का विशेष अनुग्रह हमारे जीवन में हमें प्राप्त हुआ है, परमेश्वर के खास लोगों में हम गिने जाते हैं, क्योंकि हम पर वो विशेष अनुग्रह को करके देता है। कष्ट और दुख के मध्य में जब मन खेदित होता है और रोता है, प्रभु ऐसी कष्ट की अवस्था से मैं और मेरा परिवार, मेरा पति, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे क्यों गुजरते हैं, मेरे विश्वासी लोग क्यों गुजरते हैं, मेरा पासवान क्यों गुजरता है, जब हम सोचते हैं, हमें एक बात को निश्चित रूप से याद रखना है प्रियो, ये हमारे धन्य होने के लिए एक अवसर है, क्योंकि परमेश्वर का विशेष अनुग्रह हमारे जीवन पर है। वचन कहता है कि महिमा का आत्मा तुम पर छाया करता है, ऐसे समयों में पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आके तुम्हारे ऊपर छाया करके तुम्हें महिमान्वित करता है, क्योंकि वो उस कष्ट की अवस्था में मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए, विश्वासियों के होने के लिए तुम्हें हिम्मत दिलाता है। ऐसे ही समय पर हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें घेरे रहता है। आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, जब तुम्हें पकड़ करके सनहदरीन में और यहूदी न्यायालयों में खड़ा किया जाए तो भयभीत ना होना कि तुम क्या कहोगे, परंतु विश्वास रखो, क्योंकि सही समय पर पवित्र आत्मा तुम्हें सही शब्दों को देगा कहने के लिए। तीसरी बात ने कह के समाप्त करो कि अब तुम्हें तुम्हारे प्राणों को विश्वासियों के सृजनहार के हाथों में सौंप देना है। क्यों तुम्हें अपने प्राणों को सृजनहार, विश्वासियों के सृजनहार अर्थात परमेश्वर के हाथ में सौंपना है? क्योंकि ये दुख की अग्नि में से जब तुम होके गुजरते हो, एक बात जान लो कि यह तुम्हारे न्याय का समय है। परखा जा रहा है तुम्हें, ताया जा रहा है, परखा जा रहा है कि तुम तुम्हारे में कितनी सच्चाई है, तुम में कितनी विश्वास योग्यता है। यह तो तुम्हें, तुम पर न्याय है परमेश्वर का, कि परमेश्वर इसके द्वारा तुम पर आनंदित होता है, तुम्हें धन्य ठहराता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है कि अभक्ति और दुष्टता में रहने वालों के लिए, अधर्मी व्यक्तियों के लिए, भक्तिहीनों और पापियों के लिए ये कितना मुश्किल होगा। अगर सच्चाई से जीने और सत्य पर विश्वास करने से निकल कष्ट हमारे जीवन के लिए दिया गया हुआ है, तो फिर अधार्मिकता, भक्तिहीनता और पापी जीवन में जीने वालों के उद्धार का मार्ग कितना कठिन होगा। दुखित ना हो, अपने प्राणों को अपने विश्वासियों की सृजनहार के हाथों में सौंप दो, क्योंकि वो कभी छोड़ेगा नहीं। वो विश्वास योग्य है, और जिस किसी ने पौलुस कहता है, जिसने तुम्हें बुलाया है वो विश्वास योग्य है, वो निश्चित रूप से जो भलाई के कार्यों को तुम्हारे जीवन में आरंभ किया है उसे वो निश्चित रूप से समाप्त भी करेगा। विश्वास योग्यता परमेश्वर का एक गुण है जो इंसान की विश्वास योग्यता से बढ़ करके है। समय आने पर अपने स्वयं हमें धोखा दे सकते हैं, समय आने पर अपने स्वयं हमें खदेड़ सकते हैं, हमें एकांत में छोड़ सकते हैं, हमें अकेला कर सकते हैं संसार में, लेकिन परमेश्वर कभी ना छोड़ेगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं, ये उसकी प्रतिज्ञा है। और कष्ट और दुख के बीच में से होके गुजरते वक्त में भयभीत ना हो कल के दिन के प्रति, कि कल मेरे जीवन में क्या घटेगा, मेरी कलीसिया में क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। परमेश्वर के हाथों में अपने प्राणों को हम सौंप के दें, क्योंकि वो विश्वासियों की सृजनहार है, वो सृजनहार है जिसने हमें जीवन दिया है, और उसके ज्ञान के बगैर कोई हमारे जीवन को छू नहीं सकता है। वो सृजनहार है और वो हमारे विश्वासियों के परमेश्वर है। इसीलिए ही तो हम एक और गीत गाते हैं हमारे उत्तर भारत की कलीसियाओं में, न कभी वो भूलेगा, न कभी वो छोड़ेगा, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। वो वफादार है आपको इस संसार के क्लेश के बीच में भी बलवंत करने के लिए, और वो विश्वास योग्य है कि कठिनाइयों के परे भी वो आपको आपके विश्वास में दृढ़ करके उस अनंत जीवन की तरफ आपको लेके चले, ताकि क्षणभंगुर गर्मी, क्षणभंगुर कष्ट और क्लेश आपको कमजोर ना करे परंतु बलवंत करे। आनंदित हो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। अपने आप को धन्य माने, क्योंकि पवित्र आत्मा की छाया आप पर बनी हुई है, और अपने प्राणों को अपने
अपने विश्वास योग्य परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। उसके ज्ञान के बगैर आपका कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। यही पतरस जिसने इस शब्द को कहा है, खुशी से उस क्रूस पर टंगाया गया, जहां पर उसे टांगते वक्त में उसने कहा कि मेरी एक अंतिम इच्छा है। परंपरा हमसे बताती है कि पतरस ने चुना कि वो क्रूस पर उल्टा टांगा जाए, ताकि वो अपने स्वामी के चरणों को चूमते हुए वो अपने अंतिम श्वास को भर सके। हिम्मत रखे, कठिनाइयां सामने है, लेकिन ये कोई हमें आश्चर्यचकित करने की चीज नहीं है, अनोखी चीज नहीं है, हमें बलवंत करने वाली चीज है। प्रभु आप सबों को आशीष दें।